दोस्तों, क्या इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग रुझानों का डेटा अपलोड करने में वेबसाइट में देरी कर रहा है या आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस ने? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए हैं कि चुनाव आयोग जानबूझकर हरियाणा में जो रुझानों का आंकड़ा है वो अपलोड नहीं कर रहा है और ऐसा करके क्या प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, ये कहा है जयराम रमेश ने। देखिए दोस्तों, जयराम रमेश कह रहे हैं, लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए चेष्टा कर रही है? यानी कि जयराम रमेश कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के वक्त जैसे धीरे धीरे अपलोडिंग चल रही थी, वैसे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट में हरियाणा के नतीजे भी धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं, रुझानों को है वो जानबूझकर लेट किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जयराम रमेश में और जयराम रमेश ने सवाल के साथ ये कह दिया है कि क्या ऐसा करके भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा तमाम न्यूज चैनल्स में कई कांग्रेस के प्रवक्ता और सोशल मीडिया में कई लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि देखिए, वोटिंग खत्म होने के बाद ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कह दिया था कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, तो क्या बीजेपी वोटिंग खत्म होने के बाद और चुनावी रिजल्ट की मतगणना होने से पहले ही इतनी आश्वस्त हो गई थी कि वो जीत रही है? यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि हरियाणा में अगर रुझानों में कांग्रेस पार्टी हारती दिखाई दे रही है और बीजेपी जीती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर रुझान जम्मू कश्मीर के भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि हरियाणा में लेट अपलोडिंग चल रही है, तो जम्मू कश्मीर में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जोड़कर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर रहे हैं और ये आंकड़ा भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ही अपलोड हो रहा है। तो ऐसे बहुत से सवाल है जिसके जवाब कांग्रेस पार्टी को खुद देने होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भी कांग्रेस हारती है, कभी ईवीएम को दोष दे देती है, कभी चुनाव आयोग को दोष दे देती है। हालांकि ये बात सही है कि अभी भी हरियाणा जैसा छोटा राज्य है, वहां पर जब तक सर्टिफिकेट न मिल जाए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तब तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो आंकड़ा हरियाणा का अब दिखा रहा है चुनाव आयोग की वेबसाइट का, उसे ही आप फाइनल मान सकते हैं। कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा वो मुश्किल है, हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का बाजार हमेशा खुला रहेगा, मतगणना का दिन ही ऐसा होता है। लेकिन अब वक्त बैठकर चिंतन और मनन करने का होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कहां चूक हो गई कांग्रेस की तरफ से। जब रैलियों में इतनी भीड़ जुट रही थी, राहुल गांधी की यात्रा में इतनी भीड़ थी, इतना एंथुसियाज्म था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, तो फिर बीजेपी जीत कैसे गई? वो भी इतनी मुश्किल लड़ाई बीजेपी जीत कैसे गई? हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी चुनाव आयोग पर ही इस पूरे के पूरे मामले में आरोप लगा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ा परिवर्तन हरियाणा में हो सकता है? हालांकि यहां पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं हरियाणा के साथ ही, और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। यह भी एक नतीजा है जिसको लेकर विवेचना और चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक पदार्थ चैनल की जरूर करें।